हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और आज जो यहां पर शिबा इनू इकोसिस्टम में एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, उसको भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वो अनाउंसमेंट क्या हो सकती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट यहां पर कुछ रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 24 आवर्स की बात करें 1.19% ऊपर की ओर है और पहुंच चुका है 196.74 ट्रिलियन पर। अगर हम BTC को देखें तो आप देख सकते हैं 24 आवर्स में लगभग 0.87% ऊपर की ओर है। और यहां पर जो दूसरे कॉइन्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं Binance लगभग 6.48% ऊपर की ओर है। और अगर हम यहां पर शिबा की बात करें तो आप देख सकते हैं शिबा का जो प्राइस है वो थोड़ा डाउन में आया। कल रात को आपने देखा था एक स्पाइक देखने को मिली थी, लेकिन अभी अगर आप देखें 5.48% डाउन में आया 24 आवर्स में और पहुंच चुका है 0.0030 पर। और अगर हम बात करें यहां पर 7 डेज की तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस लगभग 6.15% डाउन में चल रहा है। मार्केट कैप के इस पर नंबर 12 पर बना हुआ है। जो AVX और शिबा इनू के बीच में डिफरेंस है मार्केट कैप का, वो लगभग $2 बिलियन का है। अगर यहां पर शिबा के प्राइस में लगभग 20-30% की एक बड़ी रैली देखने को मिलती है तो फिर से ये नंबर 11 पर आ सकता है। अब आते हैं दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स की ओर। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आज के दिन की, वो सीतोशी कुसामा जो शिबा इनू के इन्फ्लुएंसर है उनकी तरफ से है, जो मीडियम वो आज के दिन में रिलीज करने वाले हैं। और अगर हम बात करें इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वीक में शिबा इनू से जुड़ी एक अच्छी न्यूज वो शेयर करेंगे। और आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड इन्होंने यहां पर डिटेल्स भी शेयर की है। और आज के दिन जो मीडियम रिलीज किया जाएगा उसमें शिबा इनू के गेम्स की डिटेल्स होगी और उसका इंट्रोडक्शन वहां पर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि काफी दिनों से इंतजार था शिबा इनू के गेम का। इससे पहले आपने देखा था NFTs भी लॉन्च हो गई, शिबा स्वैप भी आ गया। अब जो नेक्स्ट यहां पर शिबा इनू के इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा वो शिबा इनू का गेम होगा। और इससे पहले भी आपने देखा था दोस्तों जितने भी कॉइन्स है वो लगातार यहां पर अपडेट होते जा रहे हैं, अपने इकोसिस्टम को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गेम्स पर बेस्ड कॉइन भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और मेटावर्स प्रोजेक्ट पर भी यहां पर फोकस किया जा रहा है। और कुछ खबरें ऐसी भी है कि यहां पर शिबा इनू का इकोसिस्टम भी मेटावर्स प्रोजेक्ट पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम उस वीडियो को यहां पर डिकोड करें जो शिब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया था तो आप देख सकते हैं। और अगर हम इस वीडियो की बात करें दोस्तों तो इस वीडियो को यहां पर डिकोड करने की काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। 16 सेकंड्स का ये वीडियो क्लिप है और जिसमें 9 सेकंड्स पर तो आपको यहां पर ब्लैक स्क्रीन भी देखने को मिलेगी, ग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले होता हुआ भी दिखाई देगा और साथ ही में आपको यहां पर WV भी लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहां पर देखें तो इस प्रकार से यहां पर जो वीडियो है उसमें WV भी लिखा हुआ है बैकग्राउंड में। आप इसका क्या मतलब हो सकता है दोस्तों, वो अभी यहां पर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो के बाद आपने देखा होगा कल के दिन में सितोशी कुसामा ने गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी अपडेट भी दी है और उसी के बाद ये भी कहा जा रहा है कि शिबा इनू इकोसिस्टम का यहां पर अब फोकस मेटावर्स प्रोजेक्ट पर भी हो सकता है, क्योंकि मेटावर्स प्रोजेक्ट पर जितने भी कॉइन बेस्ड है दोस्तों आज के समय में काफी ज्यादा ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं यहां पर कि शिबा इनू भी मेटावर्स प्रोजेक्ट पर फोकस करता हुआ नजर आ जाए। अगर आप यहां पर देखें तो WV आपको देखने को मिलेगा और यहां पर दो वर्ड से, उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर आपको बीच में शिबा इनू लिश और बोन का जो लोगो है वो भी दिखाई देगा। अगर आप यहां पर सितोशी कुसामा का जो ट्वीट है उसे देखेंगे तो लास्ट में आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने थैंक्स भी कहा हुआ है OCVerse को, मोबाइल गेमिंग को, शिब आर्मी को। तो दोस्तों यहां पर कुछ बड़ी अपडेट जो गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है वो आज के दिन आप इस मीडियम में देखेंगे। अगर हम अगली न्यूज की बात करें जो यहां पर बर्निंग से जुड़ी हुई है, स्टीवन कूपर जो लगातार यहां पर शिबा इनू कॉइन को बर्न करने के प्रोग्राम को शुरू करके रखे हुए हैं, उन्होंने ही यहां पर एक और इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। दिस ब्लैक फ्राइडे, मतलब आज के दिन की अगर हम बात, थैंक्स गिविंग डे है और आज के दिन आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर इन्होंने एक पार्टनरशिप की है जहां पर अगर आप इनके यहां से परचेस करते हैं जो प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से लगभग जो भी ऑर्डर का 20% प्रॉफिट होगा उसको डोनेट किया जाएगा बर्न पार्टी में। और एक तरीके से कहें तो फिर से यहां पर बर्न पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहां पर शिबा इनू अब तीन प्रकार से बर्न किया जाएगा। अगर पहली बात करें तो वो प्लेलिस्ट से होगा जहां पर आप बिगर एंटरटेनमेंट पर जाकर उस प्लेलिस्ट को सुनने पर वहां पर 20% रॉयल्टीज बर्न की जाएगी। उसके अलावा वहां पर परचेसिंग करने पर 80-90% बर्न किया जाएगा। और उसके अलावा जो बर्न पार्टी है जो होगी December 22nd को, जिसमें लगभग 100% ऑफ पॉट रेस्ट डेज बर्न, जहां पर 100% जो शिबा इनू कॉइन है उसको बर्न किया जाएगा। तो स्टीवन कूपर के द्वारा जो प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं लगातार यहां पर ये बर्निंग से जुड़ी अपडेट्स जो है वो आपको यहां पर क्लियर करते जा रहे हैं कि वो बर्न कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे शिबा इनू जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर सप्लाई की है उसको लेकर यहां पर कोशिशें कम्युनिटी के द्वारा और टीम के द्वारा लगातार की जाएगी। और दोस्तों अगर हम
हम यहाँ पर माइलस्टोन की बात करें तो आप देख सकते हैं शिबा ने कल रात को एक बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पर उसके प्राइस में लगभग 30% का एक बड़ा गेन भी देखने को मिला थैंक्स गिविंग डे पर। अगर हम बात करें यहाँ पर थैंक्स गिविंग डे की तो आज देख सकते हैं आप काफी ज्यादा यहाँ पर अमेरिकन जो है वो बिजी है सेलिब्रेट करने में थैंक्स गिविंग डे। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो प्राइस है शिबा का 24 आवर्स में लगभग 30% बड़ा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एवलांच और शिबा इनू के बीच में जो डिफरेंस है मार्केट कैप के बेसिस पर वो लगभग आपको $2 बिलियन दिखाई देगा। अगर हम टॉप 12 क्रिप्टोकरेंसीज की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर शिबा का जो प्राइस है वो कल रात को बढ़ा, अभी फिर से यहाँ पर डाउन में आया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो मीडियम रिलीज होगा उसमें काफी कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद है कि शिबा का प्राइस फिर से यहाँ पर ऊपर की ओर जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर ट्रेंडिंग में भी आपको शिबा इनू कॉइन देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं ट्विटर पर ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है, लगभग 57,000 ट्वीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शिबा के ATM की तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको शिबा का ATM भी दिखेगा, शिबा स्वैप भी दिखेगा जिसका डेमोस्ट्रेशन भी हुआ था। अगर हम बात करें शिबा के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम की तो लास्ट 24 आवर्स में जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है दोस्तों लगभग $5.8 बिलियन था, एक अच्छा खासा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर होल्डर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं होल्डर्स का आंकड़ा यहाँ पर लगभग 10,02,466 तक पहुंच चुका है और 0.017% के हिसाब से अभी ये बढ़ रहा है। मतलब अगर हम देखें तो काफी तेजी से पहले ये ग्रोथ कर रहा था लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी कम हुई है। अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर सेलिंग भी की जा रही है, बाइंग अमाउंट आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है क्योंकि काफी लोग यहाँ पर पैनिक सेल भी करते नजर आ रहे हैं शिबा इनू कॉइन। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर शिबा में एक बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल आपको अभी इसे होल्ड करके रखना चाहिए और अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद ही आप इसे सेल करें। बिना प्रॉफिट बुक करे आपको इसको नहीं सेल करना चाहिए। भले ही अगर आप देखें 7 डेमेज का जो प्राइस है लगभग 6% डाउन है, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें 1 मंथ पहले गया था उससे अभी ये लगभग 50% कम चल रहा है। अगर 24 आवर्स हाई की बात करें 3.5 तक गया था, वहां से इसे रिजेक्शन मिला, फिर से डाउन में आया हुआ है। आप देख सकते हैं एक बड़ी रैली यहां पर कल रात को हमें देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो वो भी लगभग 28% बढ़ा हुआ है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो वो लगभग 5.40% डाउन में आ चुका है और अगर आप यहां पर देखें ऑल टाइम हाई उससे अभी लगभग ये 54% कम चल रहा है। तो दोस्तों अभी भी आपको यहां पर थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए क्योंकि अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस की बात करें 0.0035 का जो रेजिस्टेंस है यहां से इसे लगातार रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर ये इसे क्रॉस करता है जो लगातार कोशिश कर रहा है तो यहां पर अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं लगभग 25 लाख से ज्यादा दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपको अभी इस कॉइन को होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि यहां पर इसमें काफी कुछ अपडेट्स है जो आने वाले कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है शिबा इनू कॉइन या क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू।